अस्सलाम वालेकुम, खुशियाँ बातें, खुश रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ फरीनाज। तो जी आज मैंने ली थी कुछ छोटी छोटी सी केरियाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको केरी का ऐसा ड्रिंक बताऊँ गर्मियों का, रमज़ान का, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और डाइजेशन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जी 1 kg हम ले लेंगे केरियाँ, उसे छील कर इस तरह पीसेस में कट कर लेंगे। फिर हम इसे किसी पॉट में जो है ऐड करेंगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा इतना डालेंगे कि ये जो केरियाँ हैं ये पूरी भीग जाएं, ज़्यादा ओवर ना हो। अब हम इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे और इतना पकाएंगे कि ये केरियाँ इसी पानी में गल जाएं बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल हलवा जैसी हो जाए। तो जी ये बहुत अच्छा बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जी देखें अब ये केरियाँ जो हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे जो है एक जूसर के जग में ऐड करेंगे, डाल देंगे और ले लेंगे पुदीना। तकरीबन आधी मुट्ठी हम पुदीना ले लेंगे, ये फ्रेश था। इसे अच्छे से धो लीजिएगा क्योंकि पुदीने में जो है मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है। तो इसे अच्छे से धोकर हमने पीस लिया, तो ये बारीक स्मूथ सा इस तरह पेस्ट बना लिया। तो जी ये 1 kg केरी है, तो हम 1 cup भर के चीनी ले लेंगे। इसे हम पैन में डालेंगे और 1 glass पानी डालेंगे और इसे इस चीनी को मेल्ट कर लेंगे। हमें शीरा नहीं बनाना, हमें सिर्फ चीनी को करना है मेल्ट। जब इस तरह चीनी पूरी मेल्ट हो जाएगी तो देखें इसमें ये मेल्ट हो चुकी है। अब हम चीनी का थोड़ा सा गंद वगैरह निकालने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा 1 tablespoon के जितना दूध। इससे ये होगा कि चीनी का जो गंद वगैरह होगा वो सारा ऊपर आ जाएगा। तो देखिए गंद वगैरह ऊपर आ गया है, इसे हम अब छन्नी से छान कर निकाल लेंगे सब। फिर इसके बाद हम इसमें जो ये हमने स्मूथ सा पेस्ट बना के रखा था केरी और पुदीने का, इसे ऐड करेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर इसी में पकाएंगे। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें वरना तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 tablespoon ऐड करेंगे इसमें चाट मसाला, 1 tablespoon इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon जितना काला नमक, इसे मिक्स करेंगे और पकने देंगे। अब ये काफ़ी हमारा गाढ़ा हो चुका है तो इस तरह का ही हमें चाहिए, हम इसे देख लेंगे, यानी कि इसके तार नहीं बनना चाहिए, बस इस तरह थोड़ा सा चिपचिपा सा होना चाहिए, इस तरीके का ही हमें चाहिए। इसका तार बिल्कुल नहीं बनने देंगे, इस तरह बस हमारा चिपचिपा हो। तो जी ये हमारा अब ये जो पेस्ट है हमारा ये रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 लीमू का रस। लीमू का रस सबसे लास्ट में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि अगर पहले ऐड कर देंगे तो लीमू पकने के बाद थोड़ा कड़वास छोड़ देता है। तो जी रस डालने के बाद भी इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और चूल्हा बंद कर देंगे, ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी बोतल में भर कर रख लें। इसे आप 2 months तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। और इसको बनाएं ऐसे कि थोड़े से पानी में थोड़ी सी चीनी जो है घोल लें, उसके बाद आप इसे मिक्सचर को ऐड कर दें। और मैं इसमें 1/4 teaspoon जितना चाट मसाला भी डालती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आपको पसंद हो तो कीजिएगा, अगर नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो जी हमारा मज़ेदार सा केरी, कच्ची केरी का शरबत जो है तैयार है। ये बहुत रिफ्रेशिंग, हेल्थ के बहुत अच्छा होता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।